करीना कपूर बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से है जो कि अपने दमदार किरदार के लिए बॉलीवुड में जानी जाती हैं। यही वजह है कि करीना कपूर के गाने लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आप करीना कपूर की दीवानगी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि शायद ही कोई पार्टी होगी जिसमें करीना कपूर का कोई सुपरहिट गाना ना बजता हो। कभी बेबो ने चमक छल्लो बनकर ठुमके लगाए हैं तो कभी जब वी मेट की गीत बनकर ढोल नगाड़े पर डांस किया है, और वीरे दी वेडिंग की कलिंडी पूरी का तो जवाब ही नहीं है। तभी तो उनके फैंस करीना के हर अंदाज पर फिदा रहते हैं। आज करीना कपूर अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर हम आपको करीना कपूर के करियर के सबसे फेमस और सुपरहिट गानों और फिल्मों के बारे में बात करेंगे। कभी खुशी कभी गम, ये फिल्म ऋतिक रोशन, शाहरुख खान और काजू स्टारर करीना कपूर खान। इस फिल्म में उन्होंने आइकॉनिक पू का किरदार निभाया था। बेबो ने इस फिल्म में अपनी ग्लैमरस इमेज और शानदार एक्टिंग से करोड़ों दर्शकों को दीवाना बना दिया। अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा स्टारर इस फिल्म में करीना कपूर खान ने वकील प्रिया मल्होत्रा का किरदार निभाया था, जो अपने निर्दोष पति को बचाने के लिए कोर्ट रूम में अपनी दलीलों से लोगों का दिल जीत लेती हैं। वहीं वैश्याओं की जिंदगी पर बनी करीना कपूर खान की फिल्म चमेली में उन्होंने अपनी मायूस अदायगी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। साल 2003 में आई करीना की ये फिल्म उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक है। 2007 में आई शाहिद कपूर के साथ बेबो की जब वी मेट में उन्होंने गीत का मशहूर किरदार निभाया था, जिसका एक डायलॉग है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, आज तक दर्शकों की जुबा पर रटा हुआ है। फिल्म में बेबो ने एक चुलबुली और बिंदास लड़की का किरदार निभाया था। इसके अलावा करीना कपूर खान तलाश, वीरे दी वेडिंग जैसी कई मूवियों में नज़र आ चुकी हैं, और उनके गाने की बात करें तो वीरे दी वेडिंग का तारीफा गाना सबको बहुत पसंद आया था, और दबंग 2 का फेविकोल किसे नहीं याद है, और जब वी मेट का मौजा ही मौजा गाना उस टाइम बहुत चला था और ये आज भी चल रहा है। इसके अलावा छमक छलो, कमबख्त, इश्क जैसे गाने में भी आप बेबो को देख चुके हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.